दोस्तों, अभी मुझे 2 दिन पहले YouTube की तरफ से एक मेल मिला। किधर है? किधर? उस मेल में मुझसे कहा गया है कि मैं अपने चैनल पे कॉपीराइट मेज टूल इनेबल कर सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मुझे अपने चैनल पे कॉपीराइट मेज टूल इनेबल करने का ऑप्शंस मिल गया। तो दोस्तों, ये कॉपीराइट मेज टूल है क्या, ये आपको कब मिलता है, कैसे मिलता है, इसका क्या क्या फ़ायदा है, आप इसे अपने चैनल पे कैसे इनेबल कर सकते हैं, आप इनेबल करने के बाद में आपको कैसे मालूम चलेगा कि ये आपका काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सारी बातें दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए गुड न्यूज़ है। अभी दोस्तों मैं अपने हर एक वीडियो में किसी एक चैनल का प्रमोशन करने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने चैनल का प्रमोशन कराना चाहते हैं तो आपको सिंपल 3 काम करना होगा। पहला काम दोस्तों, आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। साथ ही साथ नोटिफिकेशन को ऑल में कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दूसरा काम ये करना है दोस्तों, आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, एक प्यारा सा कमेंट कर देना है, और दोस्तों आपको इस वीडियो के बीच में एक प्रोमो कोड मिलेगा, आपको उस कोड को कॉपी कर लेना है। और तीसरा काम दोस्तों आपको ये करना है कि आपको अपना चैनल का URL लिंक कॉपी कर लेना है। ये तीनों चीज़ होने के बाद दोस्तों आपको मेरे इंस्टाग्राम ID में सेंड कर देना है। और अगर दोस्तों आपका नाम विनर लिस्ट में आ जाता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका चैनल का लिंक अपने वीडियो में, अपना कम्युनिटी पोस्ट में शेयर करके आपका चैनल को प्रमोट कर दूँगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल राज टेक्निकल इन्फो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल के आइकन पर क्लिक करके उसका सेटिंग को ऑल में कर लीजिए ताकि मेरे आने वाला हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कॉपीराइट मेज टूल्स के बारे में। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कॉपीराइट मेज टूल्स मिलता कब है। तो दोस्तों, इसका मिलने का कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका चैनल मोनेटाइज होने के बाद आपको सडनली ये कॉपीराइट मेज टूल्स मिल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि 2000 सब्सक्राइबर होने के बाद में आपको ये मिलेगा। कभी कभी ऐसा होगा कि 5000 सब्सक्राइबर होने के बाद मिलता है। और कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि 50000 1 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद कॉपीराइट मेज टूल्स मिलता है। तो दोस्तों, इसका मिलने को टाइम टेबल फिक्स नहीं है, जितना जल्दी आपको मिल जाए वो आपकी किस्मत है। अब बात करते हैं कॉपीराइट मेज टूल के बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों, इसका बेनिफिट ये है कि जब कोई दूसरा यूट्यूब क्रिएटर आपका वीडियो, आपका कंटेंट कॉपी करता है, कॉपी करके अपने चैनल पे अपलोड कर देता है, मतलब कि दोस्तों आपका जो वीडियो बनाया हुआ है, आप जो अपना वीडियो यूट्यूब में अपलोड किए हुए हैं, वो उसे कॉपी करके अपने चैनल पे अपलोड कर देता है। तो अगर आपका चैनल पे कॉपीराइट मेज टूल होगा तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि ये बंदा आपका वीडियो को कॉपी करके अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ। समझ रहे हो ना? तो अगर आप चाहते हैं तो आप उसे कॉपीराइट क्लेम दे सकते हैं या फिर आप उसे कॉपीराइट स्ट्राइक भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि जब आपको कॉपीराइट मेज टूल मिल जाता है तो आप इसे अपने चैनल पे इनेबल कैसे करिएगा। सही पकड़े हैं। इनेबल करने के बाद में आपको कैसे मालूम होगा कि आपका कॉपीराइट मेज टूल प्रॉपरली सही से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ये सारा कुछ दोस्तों मैं आपको बताने के लिए मैं अभी आपको ले चलता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पे और मैं आपको A to Z बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप कि आपको कैसे इनेबल करके इसे सेटिंग को ऑन करके चेक करना है कि आपका मेज टूल काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं। ओके दोस्तों, अभी मैं सबसे पहले आपको अपना मेल दिखा देता हूँ जो मुझे यूट्यूब की तरफ से मिला है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों, ये है वो मेल जो मुझे यूट्यूब की तरफ से मिला। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राज टेक्निकल इन्फो इंट्रोड्यूसिंग द कॉपीराइट मेज टूल्स, और यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रस्ट्रेटेड बाय री अपलोड ऑफ योर कंटेंट। इसका मतलब है कि क्या परेशान है कि आपका कंटेंट कोई कॉपी कर रहा है या कोई आपका कंटेंट री अपलोड कर रहा है। तो दोस्तों, अभी मैं अपने चैनल पे कॉपीराइट मेज टूल को इनेबल कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा दोस्तों, अब अगर कोई दूसरा यूट्यूब क्रिएटर अपने चैनल पे मेरा कंटेंट को कॉपी करके पेस्ट करता है या फिर मेरा कंटेंट को री अपलोड करता है तो मुझे इस कॉपीराइट मेज टूल के ज़रिए मुझे मालूम चल जाएगा कि किसने मेरा कॉन्टेंट को कॉपी किया है। और इसके बाद अगर मैं चाहूँ तो उसे मैं कॉपीराइट क्लेम या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता हूँ। ओके, तो चलिए अभी मैं अपना कॉपीराइट मेज टूल को इनेबल कर देता हूँ। इसे इनेबल करने के लिए मुझे क्रोम ब्राउज़र पे जाना होगा। क्रोम ब्राउज़र पे अपना YouTube स्टूडियो ओपन करना होगा।
ओके दोस्तों, अभी मैं अपने चैनल को ओपन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे कॉपीराइट मैच टूल को इनेबल कर सकते हैं। YT स्टूडियो ओपन होने के बाद देखें, यहाँ पर कॉर्नर में कॉपीराइट का सी का सिंबल दिखेगा आपको, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको व्यू गाइडलाइंस पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। और इस तरह से आपके चैनल में कॉपीराइट मैच टूल इनेबल हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ गुड स्टाफ यू हैव कैच अप विथ एवरीथिंग, और इसके नीचे लिखा हुआ हियर्स वेयर यू विल फाइंड वीडियोस दैट मैच योर्स। अब अगर कोई मेरे वीडियोस को कॉपी करके अपने चैनल पे अपलोड करता है तो मैं इसे यहाँ पर देख सकता हूँ। और इसके आगे लिखा हुआ फॉर नाउ दियर्स नथिंग न्यू, अभी यहाँ पर कुछ भी नया नहीं है। ओके दोस्तों, अभी मेरे चैनल पे कॉपीराइट मैच टूल इनेबल हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है, लेकिन मेरा ये कॉपीराइट मैच टूल काम कर रहा या नहीं कर रहा मुझे नहीं मालूम। तो मुझे मालूम करने के लिए अभी मुझे क्या करना होगा दोस्तों, मुझे अभी अपना वीडियो को किसी दूसरे चैनल पे अपलोड करना होगा। अगर मेरा कॉपीराइट मैच टूल सही से काम करता होगा तो मुझे वहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं काम करता हूँ, मैं किसी भी एक वीडियो को मेरा दूसरा चैनल जो मेरा डेमो चैनल है मैं उस पर अपलोड करके चेक कर लेता हूँ। मुझे अपना दूसरा डेमो चैनल लॉगिन करने के लिए अभी मुझे प्रोफाइल पर क्लिक करना है, इसके बाद मैं स्विच अकाउंट पर क्लिक कर देता हूँ। अभी मैं यहाँ पर जिस ईमेल आईडी से मैंने अपना दूसरा डेमो अकाउंट बनाया उस जीमेल आईडी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके दोस्तों, ये मेरा डेमो चैनल है जो मैंने अभी अभी ओपन किया है। दोस्तों ये बोया मैक का वीडियो है जो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी पहले मैंने अपलोड किया है। अभी दोस्तों मैंने उसी वीडियो को यहाँ पर मैंने दोबारा से अपने इस डेमो चैनल में अपलोड किया हूँ दोस्तों। ओके दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ जब मैंने इस डेमो चैनल पे अपने एक वीडियो को री अपलोड किया तो मेरे मेन चैनल राज टेक्निकल इन्फो में कॉपीराइट मैच टूल में कोई इन्फॉर्मेशन कोई नोटिफिकेशन आया है या नहीं आया है। तो अभी मैं अपना चैनल राज टेक्निकल इन्फो को दोबारा से लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, मेरा चैनल राज टेक्निकल इन्फो लॉगिन हो चुका है। अभी मैं कॉपीराइट सिंबल सी के ऊपर में क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं चैनल कॉपीराइट में मुझे बोया मैक का वीडियो के बारे में इन्फॉर्मेशन आ चुका है। अभी मैं दोस्तों यहाँ पर अपना वीडियो से रिलेटेड सारा डिटेल्स चेक कर सकता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे इस वीडियो में उसके चैनल पर 14 व्यू आ चुका है, उसका नहीं बोल सकता है, अभी फिलहाल चैनल मेरा ही है। मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप व्यूज़ चेक कर सकते हैं, और उसने वीडियो अपलोड कब किया आप यहाँ पे डेट चेक कर सकते हैं, और किस चैनल ने आपका कंटेंट आपका वीडियो कॉपी करके अपने चैनल में अपलोड किया है आप उस चैनल का नाम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे मेरा डेमो चैनल राज यूट्यूब टेक का नाम यहाँ पर शो हो रहा है। और दोस्तों आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपका वीडियो का कितना हिस्सा कितना परसेंटेज वो अपने चैनल पर यूज़ किया है। जैसे कि मैंने अपना एक वीडियो को पूरा का पूरा कॉपी करके अपने दूसरे डेमो चैनल में उसे अपलोड कर दिया था, तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ही 100% शो हो रहा है। कहने का मतलब दोस्तों कि आपका वीडियो का कितने टाइम ड्यूरेशन तक 5 सेकंड 10 सेकंड 1 मिनट 2 मिनट कितने टाइम ड्यूरेशन तक आपका वीडियो कॉपी किया गया आप यहाँ पर ही परसेंटेज के हिसाब से देख सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि अपने वीडियो के लिए उस चैनल को कॉपीराइट क्लेम देना या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक देना तो आप यहाँ से इसे कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हैं। दोस्तों आप कैसे किसी दूसरे चैनल को कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हैं इसके बारे में आपको डिटेल से दूसरे वीडियो में समझाऊंगा। आज के वीडियो में आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि आप कैसे कॉपीराइट मैच टूल को इनेबल कर सकते हैं, आप उसे कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका कॉपीराइट मैच टूल प्रॉपरली काम कर रहा या नहीं कर रहा। आई होप दोस्तों अभी आप समझ गए होंगे कि आप कैसे अपने चैनल पे कॉपीराइट मैच टूल इनेबल कर सकते हैं। इनेबल करने के बाद आप कैसे चेक करिएगा कि आपका कॉपीराइट मैच टूल काम कर रहा या नहीं कर रहा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और हाँ दोस्तों अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल के आइकन पर क्लिक करके उसका सेटिंग को ऑल में कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए जल्दी मिलता हूँ दूसरे वीडियो के साथ दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।